इम्पॉर्टेंट स्कोप ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर, अलंकार बागवानी का महत्व एवं भविष्य। अलंकार बागवानी विज्ञान की देन है, कलात्मक एवं आध्यात्मिक शाखा है। ये उद्यान विज्ञान की कलात्मक एवं आध्यात्मिक शाखा है। सभी प्रकार के सजावटी एवं शोभाकार पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें महत्व वनस्पति मानव समाज के लिए एक ऐसी मूक सेविका है जो सेवा के बदले में हमसे कुछ नहीं चाहती। और जैसा कि आप जानते हैं, फूलों का विकास हमारी संस्कृति के साथ साथ हुआ। अलंकार गच्छों, झाड़ियों, लताओं आज को विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगाया जाता है, जैसे सजावट के लिए फॉर ब्यूटिफिकेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सुंदरता अच्छी लगती है, और जो भद्दे स्थान होते हैं उनको हम पौधों के द्वारा आकर्षित बना सकते हैं आप अपने, जिससे शुद्ध वायुमंडल शुद्ध होगा। और निश्चित रूप से वायुमंडल शुद्ध होने से व्यक्ति की कार्य क्षमता में विकास होगा तथा व्यक्ति को एक ऐसा माहौल प्रदान होगा जिसमें वो अधिक कार्य करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट, मनोरंजन के लिए। जब बाहर से आज के व्यस्त वातावरण में व्यक्ति बाहर जाता है, दिन भर के कार्य करके जब शाम को घर आता है तो उसे कुछ न कुछ मनोरंजन की आवश्यकता होती है। और ऐसे हालत में पुष्प आदि का आपके लिए बहुत ही मनोरंजन का साधन हो सकती है, जिसमें आप तरह तरह के फूल वाले पौधे सब्जियां उगा करके लाभान्वित हो सकते हैं। और इससे आप आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्व, हमारे देश में कहा जाता है कि व्यक्ति का जन्म फूलों के बीच में होता है तथा उसका अंत भी फूलों के बीच में होता है। और फूल, विभिन्न फूल विभिन्न देवताओं को अर्पित किए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ फूलों का संबंध, जैसे कदम गीता में बताया गया है, कदम के फूल का संबंध भगवान कृष्ण से है। कचनार के सफ़ेद फूलों का संबंध धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी से है। माँ दुर्गा को लाल फूल गुड़हल के चढ़ाए जाते हैं। तो इस प्रकार से तथा विभिन्न धार्मिक उत्सवों में फूलों के का उपयोग किया जाता है। कोई भी ऐसा धार्मिक उत्सव हो तो उसमें भी फूलों का महत्व किया जाता है। आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व में आप जानते हैं कि फूलों के द्वारा हम फूलों की खेती करके काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। और इसके जो दूसरे प्रोड्यूस हैं, प्रोडक्ट हैं, उनसे भी जैसे गुलकंद है, रोज वाटर है, गुलाब जल बना करके हम पैसा काफ़ी अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, आर्थिक महत्व में मालाएं, विभिन्न प्रकार के फूलों से जैसे मेरी गोल्ड है, क्रिजेंथमम है, गुलदाउदी है, इस प्रकार से फूलों से रोज है, गुलाब के फूल से हम मालाएं बना करके बाजार में सेल कर सकते हैं काफ़ी। बुके, किसी स्वागत के लिए जब आप देखते हैं गुलदस्ता बनाया जाता है तो उसमें हम विभिन्न प्रकार के फूलों का उपयोग करते हैं, जैसे विशेष करके जो कट फ्लावर होते हैं, गुलाब वगैरह, उनको हम रखते हैं देश में। गजरा व पुष्प प्रसाधन, विभिन्न प्रकार के फूलों का विशेष करके जैस्मिन का, चमेली का उपयोग महिलाएं दक्षिण भारत में गजरा बनाने के लिए करती हैं तथा अपने शरीर को विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाती हैं। शादी के मंडप सजाने में भी फूलों का उपयोग किया जाता है। जो भी शादी के मंडप वगैरह होते हैं उनमें फूलों के उपयोग, इसी प्रकार से बटन होल द्वारा भी फूलों का उपयोग होता है। कट फ्लावर का उपयोग विशेष करके, जैसे हमारे बड़े कलकत्ता में तो कट फ्लावर का 50% से अधिक उपयोग होता है। सुगंधित तेल, विभिन्न प्रकार के फूलों से सुगंधित तेल निकाला जाता है, जैसे गुलाब वगैरह से, और उनको काफ़ी, गुलाब का तेल 1,00,000 रुपये प्रति लीटर बेचता है। इत्र बनाए जाते हैं। औषधीय महत्व के पौधे भारत में काफ़ी पाए जाते हैं, जैसे सदाबहार है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। इस प्रकार से विशेष करके भूम कटाव को रोकने के लिए राजस्थान में हरसिंगार का काफ़ी मात्रा में लगाया जाता है, जिससे भूम कटाव को रोकने में मदद मिलती है। पुष्प प्रदर्शनी, पौधों व्यक्ति को फूलों के और
अग्रसर करने के लिए फूलों के बीच में उनका जीवन कैसे अच्छा गुजरे इसके लिए पुष्प प्रदर्शनी आयोजित कराई जानी चाहिए और पुष्प प्रदर्शनी में नगद पारितोषिक एवं प्रमाण पत्र व्यक्ति को दिए जाने चाहिए। अब बागवानी का भविष्य, हमारे देश में बागवानी का बहुत ही अच्छा भविष्य है क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट है, विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है जिससे हमारे यहाँ पूरे वर्ष फूलों की खेती की जा सकती है, जबकि पश्चिमी देश जो है वहाँ पे बर्फ गिरती है और इस प्रकार से वहाँ पे मौसम अनुकूल नहीं रहता है खेती के लिए। इसलिए भारत में ऑर्नामेंटल गार्डनिंग अलंकृत बागवानी का बहुत ही अच्छा महत्व है। बस इसी शब्दों के आज का टॉपिक मैं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट टाइम में पढ़ाऊँगा।